नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं टेंथ मिसलेनियस की। और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कुछ डाउट्स हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैं उनकी ही चर्चा करूँगा सिर्फ, और उनको आप ढंग से देखिए। और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर 11th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बहुत ही शानदार चैप्टर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, अभी जो व्यूवर्स की रिपोर्ट चल रही है, जो वीडियो देखने वालों की संख्या चल रही है, वो 40 के आसपास चल रही है, 40, 41, 42। बट जो बच गए 14-15 स्टूडेंट जो बच गए, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ ले इस बात को कि इतना शानदार, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा मैथ्स का छूट रहा है, इसकी वैल्यू आज आपको पता नहीं चल रही स्टूडेंट्स। पर जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और जब आपके सामने पेपर होगा, तब आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, क्या गलत है, क्या सही है, इसका पूरा स्क्रीन आपकी नज़रों के सामने घूमेगा। और उस समय सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको हल्के में नहीं लें। इसको ये नहीं सोचे कि स्कूल वालों की ही जिम्मेदारी है या फिर पढ़ाने वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये नहीं समझे कि स्कूल वाले जबरदस्ती में पढ़ा रहे हैं। जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको खुद को पढ़ना है, खुद को देखना है, अपने लिए पढ़ना है, ये काम सारा आपके लिए है। तो थोड़ा सा इस बात को सीरियस लें, और मैं तो कह रहा हूँ आउट ऑफ स्टूडेंट्स को देखना, सवाल हल करना। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास इतने कॉल आने चाहिए कि मुझे टाइम ही नहीं मिले कि जवाब किस उसको दूँ। इतनी अच्छी पढ़ाई करें, इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा टाइम है, खूब आप फ्री टाइम आपके पास में। आप कभी तो कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और आज टाइम ही टाइम है तो हम पढ़ नहीं रहे। हम जब टाइम होता है तब भी कुछ नहीं करते, और टाइम नहीं होता तब भी कुछ नहीं करते। मैं तो कहता हूँ इंसान जितना ज़्यादा व्यस्त रहता है उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है, उतना ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट हासिल करता है। इसलिए मैं आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ें, देखें वीडियो और होमवर्क करें, पढ़ाई करें, कोई डाउट हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। आइए, मैंने कल आपको 17th और 16th नंबर का डाउट 10th मिसलेनियस का एक्सप्लेन किया था, आज फिर मैं आपको 15 पे चलता हूँ। 15 में कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे लिखना चाहो तो आप पेंसिल उठाएं और कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, टी मान लें, तो काम हो जाएगा। आइए मैं सवाल लिखता हूँ। 10th मिसलेनियस का डाउट नंबर 15 है, 0 से इनफाइनिट मेरे ख्याल से लिमिट है, एक बार मैं फिर से चेक करूंगा लिमिट क्या है। और सवाल हमारे पास में कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स, एक बार सवाल फिर से चेक करता हूं। 0 से इनफाइनिट लिमिट है, कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स, ओके ये सवाल है हमारा। मैं यहां मान लेता हूं लेट कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टी है, तो क्या बनेगा हमारे पास में, x इज इक्वल कोट और t बन गया। और आपको थीटा लेना, थीटा भी ले सकते हो। जैसे मान लो t बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, थीटा आपके जुबान पे है और ऐसा लगता है कि मैं फ्लो में आ रहा हूं, फ्लोमेंस में बोलने में आ रहा है, तो कोट थीटा थोड़ा सा आपको लग रहा है, फ्लो में आ रहा है, तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए किसी में भी डाल सकते हैं। यहां हम देखेंगे कि इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो dx इक्वल होगा हमारे पास माइनस कोस एक स्क्वायर। ये अच्छी तरह से आपको आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं बताना पड़ेगा मेरे को, आपको पता ये हो गया। अब मैं इसकी लिमिट चेंज करता हूँ, तो लिमिट में ये आपको अच्छी तरह पता है, बार बार नहीं बताना पड़े कि जब एक्स बराबर जीरो है, क्योंकि एक्स के पदों में है सवाल, तब थीटा का जो वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू यानी कोट जीरो कहां पर होता है, कोट का वैल्यू जीरो, और इनफिनिट कहाँ होता है, कोट का वैल्यू 090 पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, क्योंकि कोट इक्वल कोस अपॉन साइन होता है, कोस का वैल्यू 90 यानी पाई बाय 2 पर 0 होता है, कोट का वैल्यू 0, पाई बाय 2 90 पर होता है, समझ में आ गया। तो थीटा इक्वल हो गया पाई बाय 2। और दूसरा, जब एक्स इक्वल इनफाइनिट है तब थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब x इनफाइनिट है तो कोट का वैल्यू इनफाइनिट कहाँ होता है, 0 डिग्री पे होता है, कि कोट इक्वल वही कोस अपॉन साइन होता है, साइन का वैल्यू 0 कहाँ होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो वहाँ पर 0 पे क्या होगा, कोट इनफाइनिट होगा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा 0। अब इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप इसकी लिखूँ मैं, तो इंटीग्रल
लिमिट आ गया हमारे पास स्टूडेंट, देखिए पाई बाय टू से जीरो, लिख डाउन पाई बाय टू से जीरो माइनस, और इसका वैल्यू मैंने क्या माना थीटा, तो थीटा का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर और इनटू कॉस एक, कॉस एक स्क्वायर माइनस का था इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। और एक मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि लिमिट ए से बी को बी से ए करने पर बाहर माइनस कॉमन आता है, तो यहाँ पाई बाय टू से जीरो लिमिट को जीरो से पाई बाय टू करते एक माइनस का साइन निकल कर बाहर आएगा, वो माइनस का साइन इस पहले वाले माइनस के साथ मिलकर पूरे फलन को पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि प्लस में आ जाएगा पूरा फंक्शन, जीरो से पाई बाय टू लिमिट हो गई, थीटा स्क्वायर इंटू कॉस ए स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और आगे मैं आपको बताने वाला नहीं, ये एक्स की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास आई लेट है, आई लेट है, और आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, आप इसका फर्स्ट इंटू सेकंड के जो अपना थीम है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, उसके अकॉर्डिंग आप इसका इंटीग्रल करेंगे, लिमिट रखेंगे, आंसर निकालेंगे। ये हुआ हमारा 15वां सवाल 10वीं विविध प्रश्नमाला का 10th मिसलेनियस। 14 की बात करें आप, तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे और हर में जो पड़ा है उसके दो भाग कर लेंगे, एक तो आ जाएगा रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो जाएगा विदाउट रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से सवाल हो जाएगा, एक भाग डी टी में चला जाएगा, ऊपर टी हो जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी है तो एक्स इक्वल साइन टी हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, और ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और आराम से आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर टी इंटू सेक स्क्वायर टी हो गया तो भी पहला इंटू दूसरा आप लगाकर इसको हल करेंगे, ये बात मैंने समझाई है सवाल संख्या 14 की। 13वें की बात करें तो 13वें माइनस ए से प्लस ए लिमिट है, तो माइनस ए से प्लस ए लिमिट जब भी होती है तो पहले चेक करना है कि विषम है या सम है। विषम है तो उसका इंटीग्रल जीरो होगा, और सम है तो उसमें उचित विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो यहां पर पहले क्या करना है, मैं दो स्टेप बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताकर इसको देखिए आप। सवाल संख्या 13 में हमारे पास पड़ा है लिमिट है माइनस पाई बाई टू का, शायद माइनस पाई है, पाई बाई टू माइनस पाई से पाइस का लिमिट है, यहाँ 2x है, 1 प्लस मेरे अकॉर्डिंग साइन एक्स है, यहाँ पर नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह का सवाल है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ ये सवाल है, इसको मैं ऊपर वाले अंश के प्रत्येक भाग को सेपरेट करता हूँ, ये 2x एक से होगा तो 2x और अलग अलग लिखता हूँ डायरेक्टली, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई 2x इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ प्रॉपर्टी लिखूंगा कि आप कहेंगे कि यदि यदि x इज इक्वल माइनस एक्स रखने पर क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स है तो वह क्या होता है, विषम फलन होता है, क्या होता है, विषम फलन होता है। और ये स्थिति यहां बनेगी, आप जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो इसका अंश माइनस का हो जाएगा, हर तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कोस में एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोस तो माइनस एक्स रखने का मतलब चौथे क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है, इसलिए कोस माइनस एक्स तो कोस एक्स ही होता है, स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का रहेगा बट अंश माइनस का हो जाएगा, और जिस भी भिन्न का अंश अकेला माइनस का होता है ऋणात्मक होता है, पूरी भिन्न ऋणात्मक हो जाती है, यानी पूरा फलन ऋणात्मक हो जाएगा, अतः ये एक विषम फलन कहलाएगा। समझ में आ गया? तो आप यहां लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि x इज इक्वल माइनस एक्स
रखने पर 2x बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर x एक विषम फलन है, एक विषम फलन है, ठीक है। तथा आगे वाला पार्ट जो बच गया, ये सम है, ये सम कैसे हुआ, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी माइनस देगा, कौन ये x, और साइन में x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का x और माइनस का साइन मिलकर प्लस का बना लेंगे पूरे फलन को। तो क्या कहेंगे कि 2x साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x सम फलन है, सम फलन है। अब आगे क्या करेंगे हम, तो जो विषम है पार्ट उसका इंटीग्रल तो हो गया जीरो, और जो सम है उसको हम आगे हल करेंगे। तो क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे तो इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर तो हो गया जीरो है, तब i इज इक्वल 0 प्लस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, देखना है यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई और एक्स इंटू साइन एक्स और बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बचेगा। अब इसमें भी क्या है, जब ये सम फलन होता है तो माइनस ए से प्लस ए लिमिट को जीरो से ए लिखकर दो गुणा में ले आते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि दो और फिर गुणा में दो और जीरो से पाई लिमिट और एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, चार हो गया। फिर आगे एक स्टेप और बढ़ना है, यहां एक्स का निष्कासन नियम लगाएंगे। तो एक्स का निष्कासन नियम आप, मैंने कहा सवाल 6 नंबर का आता है, तब आप डायरेक्ट एक्स का निष्कासन नियम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि आपने डायरेक्ट एक्स का निष्कासन नंबर लगाया तो वहाँ 6 में से आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। तो क्या करें गुरुजी, तब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, और 3 नंबर में सवाल आता नहीं है, और 6 नंबर में यदि सवाल आया और टाइम नहीं है तो आप मजबूरी बस सीधा लगा सकते हैं। और डायरेक्ट एक्स का निष्कासन नियम ये कहता है स्टूडेंट्स कि लिमिट ए से बी होती है तो ए प्लस पाई, पाई जो भी हमारी वैल्यू है वो उसको लेना है हमारे पास में, और उसके बटे में क्या आएगा कि जितना लिमिट है वो आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी ए प्लस बी और बटे दो, ए प्लस बी बटे दो, ए कौन है जीरो, बी कौन है पाई, यानी जीरो प्लस पाई बटे दो का मीनिंग हो गया पाई बटे दो बाहर गुणा में आ जाएगा, तब एक्स यहां से गायब हो जाएगा, एक्स का निष्कासन हो जाएगा। समझ में आ गई, डायरेक्ट एक्स का निष्कासन करना है तो लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, समझ रहे हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू, और फिर लिमिट वापस यू क्यों रख देना, एक्स हटा देना, बचे हुए फंक्शन को लिख देना। बट यदि 6 नंबर में आता तो हम डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। मैं इसको यहीं पर समीकरण संख्या 1 डालता हूँ यहीं पर, क्योंकि अपने पास जगह का मैं आगे काम कर रहा हूँ मैं, और i बराबर ये 4 तो हो ही गया, और मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और 0 से पाई इसका लिमिट है, यहाँ प्रॉपर्टी मैंने यूज की तो क्या आया पाई माइनस एक्स, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू पाई माइनस एक्स, और साइन में भी एक्स की जगह लिखूंगा पाई माइनस एक्स। आपको पता है साइन में पाई माइनस एक्स हम लिखते हैं तो क्या है कि साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है, तो यहाँ पर ये सेम साइन ही पड़ा रहेगा,
और यहां पर हो गया cos 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको एक स्टेप और सोल्व करता हूं मैं, 4 बाहर रहेगा, 0 से पाई इसकी लिमिट है। यहां इसको हल करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक तो बन गया पाई, और ये साइन एक्स ही रहेगा, ध्यान रखना साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, फिर ये साइन एक्स को इस कोस के दोनों भागों से गुणा करूंगा तो पाई साइन एक्स आ जाएगा, माइनस एक साइन एक्स आ जाएगा, और बाय नीचे जो हर पहले से पढ़ा था वो वापस लिखता हूं, क्योंकि पाई माइनस एक सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, माइनस का कोस एक्स आएगा, बट होल स्क्वायर होने के कारण वापस ही प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब स्टेट समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, बाय सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर 2i दिख रहा होगा आपको, आई प्लस आई हो जाएगा 2i। यदि आपको कुछ पार्ट नहीं दिख रहा तो देखिए, ओके अब दिख रहा सारा पार्ट, और इधर देखिए जब मैं इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा सम करूंगा तो 4 दोनों में कॉमन है, लिमिट सेम है, बाहर ले आ जाएगी, यानी 4 आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई आ जाएगी। बट देखना इस इन दोनों के हर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर सेम है, तो दोनों के हर समान है, तो हर को एक बार लिख देने से इसका लघुतम यानी एलसीएम बन जाएगा। अंश लिखूंगा 1 साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक साइन एक्स, तो एक साइन एक्स माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, बचेगा पाई साइन एक्स, क्या बचेगा पाई और साइन एक्स, समझ में आ गया होगा इतना, और इनटू डीएक्स ऑलरेडी पढ़ाई है। आगे सवाल आप कर सकते हो आराम से, क्या होगा ये 2 इसके भाग में जाएगा तो 2 हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई लिमिट 0 से पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos स्क्वायर x में cos x को t मानेंगे, तो यहां प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल डायरेक्ट आराम से इजी गोइंग हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। इस प्रकार मैंने आपको सवाल संख्या 13 पूरा एक्सप्लेन किया। आगे देखिए, मैं बात करूं यदि सवाल संख्या 12 की, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां पर मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस है माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए की लिमिट में जब मॉड्यूलस फंक्शन होता है तो वहाँ सम और विषम नहीं देखते, वहाँ ये देखते हैं कि उस मॉड्यूलस के अंदर पड़े फंक्शन का मान कब तो ऋणात्मक रहता है और कब धनात्मक होता है। तो यहाँ यदि हम एक्स का वैल्यू प्लस 1 रखते हैं या माइनस 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस 1 रखें या प्लस 1 रखें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है। अब इसके नीचे क्या रहता है, ऊपर क्या रहता है, एक बार आप चाहो तो मैं बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक बार फिर से देख ले, सवाल संख्या 13 है और एक्सरसाइज है 10th मिसलेनियस का, मैंने आपको पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, अच्छी तरह देखें उतार लें समझ लें। सवाल संख्या 12 है, आई बराबर लिमिट माइनस 2 से प्लस 2 है, मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां सबसे पहले देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 कहां होता है, तो यहां पर हम वैल्यू पाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 1, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1 रखने पर 0 होता है, एक रखा तो भी 0 आएगा, एक्स का वैल्यू एक रखने पर भी पूरे फलन का मान 0 आएगा, और माइनस का एक रखने पर भी 0 आएगा। अब 0 तो आ गया, 0 से कम और 0 से ज्यादा कहां पर होगा उसकी भी बात करते हैं। यहां पहले समझाता हूं फिर लिखूंगा आराम से। सपोज पहला हो गया माइनस 2 से, लिमिट की बात करें माइनस 2 से 1, इसका माइनस इसमें क्या है, यानी माइनस 2
छोटा है प्लस टू सॉरी माइनस टू छोटा है और प्लस टू बड़ा है, वैसे ही माइनस टू छोटा है और माइनस वन बड़ा है। तो छोटे से बड़े की ओर लिमिट लगा रखी, लोअर लिमिट माइनस टू है, अपर लिमिट माइनस वन है। इससे माइनस वन की ओर चलेंगे तो यहाँ वैल्यू आ सकती है माइनस का डेढ़ है, माइनस का पौने दो है, माइनस का सवा है। ऐसा सपोज करो मैंने माइनस का वन एंड हाफ है, माइनस का डेढ़, एक और आधा वैल्यू रखा इसका, तो इसको देखता हूँ क्या आता है। वन माइनस थ्री बाई वन माइनस माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। देखो ये फंक्शन है, ये माइनस सवाल में था, ये माइनस का वैल्यू है, इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये नाइन बाई फोर आ गया। इसको हल करूंगा मैं तो चार एकम चार, चार में से नौ गया तो माइनस का पांच बटा चार आया। रिजल्ट कैसा आया? नेगेटिव आया। किसके बीच? माइनस दो से माइनस एक के बीच नेगेटिव है, तो यहां तो फलन रह जाएगा ऋणात्मक। ओके समझना, फिर लिख दूंगा मैं आराम से, भी समझा रहा हूं। नेक्स्ट की बात करो हम, नेक्स्ट की यदि बात करें तो ये आएगा, दूसरा पार्ट ले लिया मैंने, मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के बाद लगाऊंगा, फिर प्लस के वन तक जाइए। माइनस वन से बड़ा है और प्लस वन से छोटा है, यानी माइनस वन से बड़ा है, माइनस का आधा, माइनस का पूर्ण, यानी माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई फोर, माइनस का थ्री बाई फोर या जीरो, या प्लस का थ्री बाई फोर, प्लस का वन बाई टू, प्लस का वन बाई फोर, ऐसा कोई भी वैल्यू मैं रख के क्वेश्चन करता हूँ। दो वैल्यू रख के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वन पड़ा है, माइनस पड़ा है, ब्रेसिस पड़ा है, इसको लेते हैं। और इसका वैल्यू लिया मैंने, इससे बड़ा यानी माइनस थ्री बाई फोर ले लिया, वो थ्री बाई टू था, ये थ्री बाई फोर हो गया। स्क्वायर किया इसको, या वन माइनस ये नाइन बाई सिक्सटीन हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये तो माइनस का निशान पहले से पड़ा था इसके कारण आया, बट ये प्लस का हो गया। तीन का स्क्वायर नो सोलह, सोलह एकदम सोलह, सोलह माइनस नो तो सात बटे सोलह हो गया, सोलह माइनस नो, सोलह माइनस नो सात बटे सोलह हो गया, प्लस का हो गया, यानी इसके बीच क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका लगा दिया मैंने प्लस। थर्ड की बात करते, थर्ड क्या हमारे पास में, यहाँ पहले वो साइन नहीं लगाता हूँ मैं, प्लस वन से प्लस टू की बात करते हैं। प्लस वन से प्लस टू में मान लो यहाँ पर प्लस का एक सही एक बटा चार, यानी और या एक से एक बटा दो या एक से तीन बटा चार, ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं एक और दो के बीच में। तो मैं वैल्यू मान लो रखता हूँ, आप चाहो तो एक से एक बटा दो ये लिख दी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे वापस तो क्या आएगा, वन माइनस नाइन बाई फोर आएगा, फोर मत जा फोर, चार माइनस के पाँच बटा चार ही आएगा, यानी इसमें जो वैल्यू आएगी वो वापस, सॉरी इसमें वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वापस माइनस की आएगी, तो यहाँ पर इस लिमिट में भी माइनस आएगा। ये स्टूडेंट मैंने इसके तीन पार्ट कर दिए, इसके आगे आपको समाकलन करना आराम से आता होगा, क्योंकि इसका समाकलन करना है एक का, तो हो जाएगा एक्स और माइनस एक्स की पावर तीन बटा तीन, हो गए दोनों पार्ट अलग अलग, और पूरे को ब्रैकेट में बंद करना, माइनस वार पड़ा रहेगा, माइनस दो से प्लस एक माइनस एक लिमिट लगा देना। और यहाँ देख लीजिए, इसको भी आप प्लस बना सकते हो लिमिट, यहाँ माइनस को भी, इसको माइनस दो से माइनस एक की जगह माइनस एक से माइनस दो लगा दो तो प्लस की बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसका भी सेम, तीनों का जो इंटीग्रल होगा सेम होगा, सिर्फ लिमिट अलग अलग है, तो तीनों कॉस्ट को भी मान आप निकाल लेना, हल कर लेना, और फिर तीनों को जोड़ना घटाना जो भी करना है वो गणितीय प्रक्रिया, मैथमेटिकल पोर्शन, कैलकुलेशन पावर आप लगाना और आगे हल कर लेना। ये सवाल संख्या था स्टूडेंट हमारा 12th। 11th की बात करने की कोई जरूरत, दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ साइन 3x और साइन 2x, दोनों साइन होते हैं तो कोस का सूत्र लगेगा, यहाँ पर कोस 3x प्लस 2x कोस 3x लिख दूँ आप चाहो, हालांकि ये पहले आ चुके हैं सब, कोस 3x प्लस 3x माइनस 2x और फिर आएगा माइनस कॉस 3x प्लस 2x। देख थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आप चाहो तो, इसको बोलते हैं तो कॉस a माइनस b, सूत्र लगा कॉस a माइनस b, कॉस a फिर कॉस b, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस साइन a और साइन b, फिर बाहर माइनस, ये माइनस लगा दिया, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर खोलता हूँ,
कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस साइन ए और साइन बी। अब स्टूडेंट्स यहां जब मैं इस ब्रेसिस को खोलूंगा तो माइनस का निशान किसे बदल गया, प्लस। ये कॉस थ्री एक्स कॉस टू एक्स प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, कितने हो गए, दो आ गए, दो साइन तीन एक्स इंटू साइन दो एक्स। तो आपका जो यहाँ पर सवाल पड़ा है साइन थ्री एक्स इंटू साइन टू एक्स, उसको ऊपर नीचे आप दो से गुणा करना, ऊपर नीचे दो से गुणा करना, तो नीचे वाला दो तो बाहर रख देना, अंदर वाला ये यहाँ लगा देना और इस तरह लिख देना, इसकी जगह है ये वाला लिख देना, बाहर एक गुणा दो पड़ा ही रहेगा, इसका आराम से हो जाएगा क्योंकि ये कोस वन एक्स बन गया और ये कोस फाइव एक्स बन गया, कोस का इंटीग्रल साइन होता ही है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे सूत्र पहले भी आए हैं, आप इसे ध्यान में रखें। यदि यहाँ पर दोनों साइन में होकर दोनों कोस होते, दोनों साइन में होकर दोनों कोस होते तो आप यहाँ प्लस लगाते, यहाँ पर क्या लगाते, प्लस, सिर्फ इतना फर्क था, यहाँ पे प्लस लगाते, यहाँ पे प्लस लगाते तो ये प्लस, ये भी प्लस था, ये भी प्लस का जुड़ जाता, यहाँ प्लस होता तो अंदर का निशान नहीं बदलता, ये माइनस का रहता, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाता, दोनों कोस होते तो भी सूत्र ये लगाना है, फर्क क्या, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और दोनों साइन होते हैं तो ये सूत्र है जो मैंने बताया। ऐसे ऐसा भी आता है एक साइन और एक कोस, जब एक साइन और एक कोस होता है तो दोनों साइन के, यहाँ पर दोनों साइन के सूत्र लगते हैं और निशान आपकी जरूरत के अनुसार हो जाता है, पर यदि दोनों साइन है या दोनों कोस है तो कोस के सूत्र लगेगी, दोनों साइन है दोनों कोस हैं तब तो कोस का लगेगा, एक साइन है एक कोस है तो साइन के सूत्र लगे। ये हुआ हमारा एक काम जो आपको मैंने बताया, ये सवाल संख्या 11th की बात है। 10th में टेन इनवर्स एक्स है, कोई दिक्कत की बात, एक प्रतिशत भी नहीं है, टेन इनवर्स एक्स है, इसके गुणा में एक मान लेना, इकाई मान लेना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इकाई सेकंड हो जाएगा, पहला गुणा दूसरा, आइलेट खंड से समाकलन आप लगाएंगे, ये सोल्व हो जाएगा। 9th में पड़ा है हमारे पास में 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, एक्स स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स पड़ा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा इसे हल भी कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो, और वरना फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइडेंटिटी होगी 0 से पाई बाई 2 पड़ा है तो यहाँ पर x की जगह भी आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, और वहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर कोस का दोनों को आप जोड़ेंगे तो पाई से गुणा होगा तो आएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस आपका जो एक्स पड़ा है उसको भी आप सोल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं करके आप डायरेक्ट इसको सोल्व करें पहला इंटू दूसरा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। और एक और तरीका है इसका, यदि आप यहाँ पर कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें तो भी काम आपका आसान हो जाएगा, आप करें ट्राई करें, कोई दिक्कत हो मुझे बोलें। 8th सवाल में पड़ा है एक्स माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3 और बाई एक्स की पावर 4 है, इसका एक स्टेप में हिंट देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। इस तरह मैंने लगभग सवाल आपको बता दिए जो मुझे बताने लायक थे। आज हमारा चैप्टर 10th 100% कम्प्लीट हो चुका है और आप अच्छी तरह सवाल हल करेंगे, कोई डाउट हो तो मेरे को बोलेंगे पूछेंगे। कल से मैं आपको चैप्टर 11th एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ इसकी लिमिट है स्टूडेंट्स 1/3 से 1 है और हमारा सवाल है एक्स माइनस एक्स की पावर 3/x की पावर 4 इसका होल पावर 1/3 इंटू dx। एक बार सवाल वापस चेक कर लेते हैं, x माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 और बाई एक्स 4 इंटू dx है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं x की पावर 3 कॉमन लेता हूं, यहां से x की पावर में 3 कॉमन लेता हूं, देखना एक बार आप, i इज इक्वल लिमिट 1/3 से 1 है, x की पावर 3 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बनता है, जो भी बाहर कॉमन आएगा उसके ऊपर 1/3 पावर आएगी। गौर करिए, x की पावर 3 कॉमन लेता हूं तो x की पावर 3 मैंने कॉमन ले ली पर इसके ऊपर पावर होल 1/3 पड़ा है तो जो भी कॉमन लेता हूं उसके ऊपर 1/3 तो आएगा ही। अब मैंने यहां से
तीन पावर कॉमन ली, तो यहाँ तो तीन पावर थी तो कुछ नहीं बचेगा, नहीं एक आ जाएगा, बट यहाँ पर पावर थी हमारे पास में एक और मैंने तीन कॉमन ली है तो दो पावर भाग में चली जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस वन हो गया, इसकी होल पावर वन बाई थ्री पड़ी रही। और आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रहे आपको स्टूडेंट्स, कि जिसके पास जितनी पावर होती है वो तो दे देता है, पर जिसके पास जितनी पावर नहीं है उतनी पावर भाग में चली जाती है। यदि यहाँ पर x की पावर पाँच कॉमन लेते, एक तो थी तो नीचे x की पावर चार आ जाती, और यहाँ पर भी तीन थी तो तीन तो बाहर आ गई, नीचे यहाँ x का स्क्वायर आ जाता। जितनी पावर होती है उतनी तो बराबर कैंसिल हो जाएगी, और जो कम पड़ रही है तो डिफरेंस है वो भाग में चली जाती है। अब यहाँ इसको हल करें तो तीन से तीन कट गया, x बचा, इस x से इस x की एक और कट जाएगी, तो ये रिजल्ट बनेगा इसका, इंटीग्रल लिमिट वन बाई थ्री से वन है हमारे पास में, और ऊपर बन गया वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर वन बाई थ्री, और नीचे आएगा एक्स की पावर थ्री इंटू डी एक्स। इस पूरे ब्रेसिस को आप टी मानेंगे, टी मानेंगे तो इसका तो डेरिवेटिव जीरो होगा, इसका आएगा माइनस टू बाई एक्स क्यूब, तो ये टू बाई एक्स क्यूब इसमें डी टी में चला जाएगा, इस यहाँ हो जाएगी टी की पावर वन बाई थ्री। आराम से इसका आप इंटीग्रल कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सवाल देखें समझे, मेरी ओर से 10th चैप्टर 101% कंप्लीट हुआ, इंटीग्रल 9th और 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे ढंग से समझना, हल करना, और कल हम 11th चैप्टर की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।